गुजरात की जीत की अलग प्रतिक्रिया हुई है। भाजपा के कार्यकर्ता बटे से नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े और जोश में आ गए हैं। कांग्रेस में खम ठोकने की बात वाजिब है, लेकिन भाजपा में गुजरात फॉर्मूले ने उन लोगों को बेचैन कर दिया है जिनकी उम्र कुछ ज्यादा है। इस पंक्ति के नेताओं के ठीक पीछे खड़े वे कार्यकर्ता खुश हैं कि उनका नंबर लग सकता है। चर्चा का विषय आज भाजपा का गुजरात फार्मूला है। यदि टिकटों का बंटवारा और अन्य कारक वैसे ही रहे तो भाजपा के वे लोग घर बैठ सकते हैं जो वर्षों से उपेक्षा झेल रहे हैं। पिछले चुनाव के बाद भाजपा में पैदा सिंधिया फैक्टर भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यदि गुजरात फार्मूले को अपनाया जाएगा तो जो भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनका समाधान जिस तरह से गुजरात में किया होगा उसी तरह का समाधान यहाँ पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि गुजरात फार्मूले का, चाहे टिकट का संबंध हो, चाहे कार्यकर्ताओं को काम में जुटाने का काम हो, तो निश्चित रूप से जो गुजरात का फार्मूला है वो जनता की सेवा के लिए भी सफल है और संगठन की दृष्टि से भी सफल है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव की हार से ज्यादा परिणामों को लेकर खुशी नजर आ रही है। असल में कांग्रेस अब इंतजार कर रही है कि बीजेपी एमपी में भी गुजरात फार्मूला अपनाए और फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी के बागियों को साथ कर कांग्रेस दमोह चुनाव जैसे परिणाम 2023 में लाना चाहती है। यदि गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू होता है तो इसको लेकर सभी नेता अब अपने अपने बचाव में निकल पड़े हैं। आप देखेंगे कि गुजरात में किस तरीके से दो मुख्यमंत्रियों को बदला गया था, तमाम विधायकों के टिकट काटे गए थे, मंत्रियों के टिकट काटे गए थे, और इसी को देखते हुए यदि ये फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू होता है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री स्वयं घबराए हुए हैं। फिलहाल चुनावी बिगुल बजा नहीं है, लेकिन गुजरात और हिमाचल के परिणामों के बाद दोनों ही पार्टियों में जमकर सुखबुगाहट है। कोई बदलाव के इंतजार में है तो कोई अलगाव के। भोपाल से INS 24/7 के लिए अनुराग मालवी की रिपोर्ट।